अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी अपने किचन फूडीज किचन में। और आज हम मौजूद हैं ड्रीम वर्ल्ड में। और ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताने से पहले मेरे ख्याल से हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रूही, जो ड्रीम वर्ल्ड में होती हैं और ये स्पेशल मैनेजर बहुत कुछ हैं। रूही, आपने अपने बारे, वालेकुम अस्सलाम, आपने पहले अपने बारे में बताना है, फिर जो हमारा ये किचन अपडेट हुआ है और हम कहाँ मौजूद हैं ये सब आप बताएं अपने। जरूर। अच्छा नाहिद, आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं Q&N Flavor में सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूं। और Q&N Flavor जो है वो ब्रांड है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का। और इस वक्त जो और इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो हम ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के कन्वेंशन हॉल में मौजूद हैं, जहाँ बेतहाशा तकरीबें होती हैं। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, आप इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ शादी, वलीमा, मायूं, बर्थडे, अकीके, इवन यहाँ जो है कॉर्पोरेट गैदरिंग और ब्रांड लॉन्चिंग भी हो रही होती है। ओके, ग्रैंड लुक है इसका और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ काम करने के अंदर। कि मतलब आपको जब एक खुली जगह मिलती है और एक सेटअप अच्छा हो, बिल्कुल। और फिर तो और क्या है? और आज जो आपने किचन अपडेट किया है उसके बारे से मैं बताऊं कि हम लोगों की लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है, खासतौर पे अगर हम जो है वो शहरों की बात करें। स्लो हो गई थी, अब फिर फास्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपने रूटीन में आए हैं और अब किसी के पास जो है वो टाइम नहीं हो पाता चीजों करने का। तो इसलिए जो है ड्रीम वर्ल्ड ने एक ब्रांड लॉन्च किया है Q&N Flavors के नाम से, जिसने जो है आपके किचन को अपडेट करने का जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है। अपडेट का मतलब ये है कि औरतें आराम करें, कुछ ना करें, बस किचन में आए, हर चीज मौजूद है, बिल्कुल, बॉटल्स खोलें और खाना पकाना शुरू करें। और बहुत क्विक किचन का, मतलब और सुस्त हो जाएं औरतें कि नहीं? नहीं, अब औरतें वर्किंग हो गई हैं, मतलब वो सुस्त नहीं होंगी, वो पता है क्या करेंगी, और खुश रहेंगी। अगर मेहमान आ गए, जैसे कभी मेहमान आते हैं हम गुस्सा हो जाते हैं या हम टायर्ड होते हैं या बच्चों का ऑफ एंड ऑन मूड स्विंग्स होते हैं, तो इससे ये फायदा है कि औरतें ये खुश होंगी कि उनको बहुत कम काम कर। तो ये अपडेट आपने अपने किचन को किया है जी। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि बिरयानी जो है ना वो सबको बहुत पसंद होती है, और मैंने आज की बिरयानी इतनी फास्ट आपके सामने बनानी है इनके सारे प्रोडक्ट से। हालांकि इसमें पानी तक ड्रीम वर्ल्ड का है, Q&N का। कौन सी चीजें जो आपकी नहीं है पहले मुझे आप? हमारा देसी घी भी अपकमिंग है, जो कि यहाँ आप जरूर ट्राई कर सकती हैं कि ये देसी घी, और इसकी खासियत आपका ये है कि ये काऊ का देसी घी है। और जो लोग डाइट पर हैं और समझते हैं बिरयानी नहीं खा सकते, आपको पता है जो आप लोग डाइट कर रहे होते हैं डिफरेंट, घी वो चीज है जिससे आप कभी मोटे नहीं होते, तो ये तो बेस्ट चीज है। इसकी मैं खुशबू पहले मैं सुनूं, बहुत अच्छी। इसका आप पराठा बनाएं, पराठा भी ना बनाएं, आप रोटी के ऊपर लगाएं और चीनी डाल के खाएं, मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। अच्छा, आप हम लोग ने ये देखा कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि वो देसी घी उनका ओरिजिनल है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल बेस्ड जो है वो हमने, ये प्योर है, ये बिल्कुल 100% प्योर है। और ये मैंने सूंघा है, वाकई इसका कलर भी बहुत अच्छा है, जो असली मक्खन का। इसके लिए हमने अच्छी सी बॉटल लेनी होगी जी, क्योंकि इसमें ये पता चलेगा कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मैं उसमें से गिरा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको छुपा लिया है साइड में। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हम बिरयानी कैसे बनाएंगे। हम क्या करते हैं घर में, पहले हमें प्याज फ्राई करनी है, फिर हमें लहसुन पीसना है, फिर हमने इसमें टमाटर डालने होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपके पास अनियन पेस्ट है, ये मैंने चूल्हा थोड़ी देर बंद किया ताकि मैं आपको बता दूं, अनियन पेस्ट है। फ्राई करके अनियन आप अलग रख लें, वो मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी कि अनियन फ्राई करके जब आपको ज़रूरत हो, कभी आप सादे चावल भी बनाते हैं ना तो उसमें आपको अनियन आप तली हुई डालते हैं और मुझे तो बहुत मज़े की लगती है, तो वो अलग है। मगर हम जब शुरू में मसाला बनाएंगे चिकन का तो अनियन पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ जिंजर गार्लिक तो हम डालते ही हैं, वो तो आपको मिलता ही मिलता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि अनियन पेस्ट मिल रहा है और इसका कलर भी ओरिजिनल है। ये आप खोलेंगी सारी चीजें, और क्योंकि इनकी जो ये मिर्चे हैं ग्रीन चिली पेस्ट, इसका भी आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और हमने कोई मिर्चे, लाल मिर्चे मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें, मैं ये डालूंगी ग्रीन चिली पेस्ट और हम डालेंगे रेड चिली पेस्ट। मेरे ख्याल से हम एक काम करते हैं, मैं ग्रीन चिली पेस्ट नहीं डाल रही, जिस दिन मैं ग्रीन बिरयानी बनाऊंगी
तो मैं जब डालूंगी ये जरूर इसको मैं एक और जगह इस्तेमाल करती हूँ। हम यहाँ डालेंगे रेड चिली पेस्ट और हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी। यस प्यूरी हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अब इतना ज्यादा हॉच पॉच भी ना करें, बहुत से लोगों को ग्रीन मसाला होता है तो हम वो नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे मे बी मटर चावल हम बनाएंगे उसमें मैं ग्रीन चिली पेस्ट इस्तेमाल। अच्छा भाई एक चीज और बताते जाऊँ, ये जो हमारा टोमेटो पेस्ट है ये टोमेटो कड़ी पेस्ट है, इसमें ऑलरेडी सारे मसाले जो हैं इंक्लूड हुए हैं। ओके हाँ ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने ट्राई किया था अपने घर पे और जब मैंने ट्राई किया मैंने सिर्फ जब भी कहा जाता है कि प्लीज जब भी कोई चीज इस्तेमाल करें तो पढ़ लिया करें, मैंने कड़ी पेस्ट नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ टोमेटो पेस्ट पढ़ा था। और मैं तहारी बना रही थी कि मैंने शायद पहले भी बताया था और मैंने ग्रीन चिली पेस्ट भी उसमें डाल दिया क्योंकि घर मुझे नहीं पसंद ज्यादा मिर्चें मगर बच्चों को पसंद है, और मैंने ये भी डाल दिया टोमेटो पेस्ट। तो जब भी आप पढ़ा करें पूरा पढ़ें, इसके नीचे लिखा है करी पेस्ट, तो इसका मतलब इसमें मिर्चें भी हैं और भी मसाले, इसमें मसाले मिले हुए हैं ताकि आपके बाकी मसालों की आपको जरूरत ना पड़े। ओके अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको और भी आसान तरीका बताती हूँ। हम उसमें वो नहीं कर रहे, हम सब कुछ, ये हमने चिकन ली, ये मसाले थोड़े से हम हटाएंगे यहाँ से, मुझे अनियन पेस्ट आप दे दें पहले। अच्छा सिर्फ आपने क्या करना है, एक स्पून आपने, मैं क्या कर रही हूँ इसमें मैं सिर्फ अनियन पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून QNN का अनियन पेस्ट ये ले लें आप। और इसमें मैं डालूंगी, चावल उबालने में मैंने डाला हुआ है, मैं चाह रही थी आप इसका ओरिजिनल टेस्ट जो इनके QNN के टेस्ट है, मगर मैं सिर्फ एक बादियान डाल रही हूँ क्योंकि उसकी अपनी स्मेल इतनी अच्छी है। एक मैं ये डालूंगी और मैं क्या, कलौंजी दे दें मुझे और जीरा दे दें क्योंकि आपका जो टोमेटो पेस्ट में कलौंजी जरूर होता है ना। देखिये ये जो भी चीजें अल्लाह की बनाई हुई है ना उसमें आपने ये चीजें डाली उससे टेस्ट आता है। अच्छा अब आप मुझे दे दें चीजें, ये है हमारा टोमेटो पेस्ट, ये मैंने टोमेटो पेस्ट लिया 2 टेबलस्पून, चटपटा खाएं। अब ये आपके ऊपर है आप कितना डालते हैं, आप मुझे दें, ये मैंने क्या लिया, ये टोमेटो कड़ी पेस्ट। अच्छा आप मुझे वो रेड चिली पेस्ट भी दे दें, रेड चिली पेस्ट ये रहा। सब लोग कहेंगे एक ही स्पून इस्तेमाल करें, प्लीज स्पून अलग अलग रखें आप। मैं मल्टीपल यहाँ पे रख देती हूँ, ये मैंने ये भी 2 टेबलस्पून लिया, ठीक है ये ले लिया आपने। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, ये मैंने फेंट के, और ये भी ड्रीम वर्ल्ड का है। जी हाँ ये हमारी प्योर दही है जो कि हमारे काओ मिल्क से तैयार हुई है माशाल्लाह। अब आप देखें हर मसाला आपको एक ही जगह से दही भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा और क्या कहते हैं सारे मसाले फ्लेवर्स जो हर फ्लेवर ये आपने इसमें डाला और इसको आपने मैरिनेट, ये थोड़ा सा तो आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी क्या कर रही थी, इन्होंने किचन को तो अपडेट किया है मगर यहाँ ये अपडेट नहीं कर सकी, जब आप अनियन पेस्ट को भूनते हैं ना वो उड़ता है, तो आपने प्लीज कवर करके भूनना है क्योंकि अगर आपने कवर नहीं किया तो ये जो यहाँ पर आया है ये सब आपके कपड़ों पे आएगा, फिर मुझे आपको स्टेन रिमूवल के बारे में बताना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं बताना आज, हम सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड के बारे में और उनके फ्लेवर्स, उनका घी, पानी, बस ये मैंने भूनना है थोड़ा। अब आप मुझे ये दे दें, अब आप देखें कितना आसान है, आपको कोई एक चीज़ नहीं भूननी, बस प्याज आपने भूननी है। और ये जो हमने चिकन मैरिनेट करी है ये मैंने इसमें डाली, कोई चीज को आपने वेस्ट नहीं करना है। मुझे अपना यहाँ स्पैचुला नहीं मिल रहा है, स्पैचुला से ये होता है, प्लीज अपने किचन में स्पैचुला जरूर, ये जो आवाजें होती है ना ये पहले जमाने में होती थी, ये भी अपडेट हो गई है स्पैचुला से, आई थिंक ये भी आपको निकालना चाहिए, अगर आप नहीं निकालेंगे ये फिर मैं अपने नाम से निकालूंगी ताकि हम मिल के QNN की चीजों को हमने ये कुक करना है, बस इसको आप कुक करें। अच्छा अब आपको मैं बताऊं एक चीज और, ये मुझे बिरयानी पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक ही बिरयानी होती थी, वो जो डेली वाली एक सादी सी बिरयानी, अब टमाटर भी मुंह में आ रहे होते हैं गरम, मतलब
मुझे बेसिकली वो बिरयानी पसंद, मगर हाँ मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है, वो जो मेमनी बिरयानी सिंधी आलू के बगैर तो बिरयानी मजा नहीं आता। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, जब हम पका रहे होते हैं ना तो आलू डालो तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, मुर्गी तो गल जाए। ये क्यों, ये चिकन तो आपकी यहाँ की नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड की? ये वाकई हमारी है, क्योंकि हम लोग जो है, आपने नहीं बताया, मैंने एक प्रोसेस हम कर रहे हैं जिसमें जो है वो हेल्दी चिकन प्रोवाइड करें, क्योंकि पोल्ट्री की जो चिकन होती है वो हेल्थ के लिए बहुत मोजर होती है, तो हमारी अपनी प्रोसेसिंग से ये चिकन जो है वो गुजरती है। मुझे, मैंने ऐसे ही पूछा, इन्होंने नहीं बताया, मैंने खुद पूछ लिया। और ये बिल्कुल हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं गियर ड्रीम वर्ल्ड के, वहाँ ये चिकन इस्तेमाल की जाती है। और ये तो जूसी होगी बहुत जी, और अब अनकरीब हम लोगों के लिए भी इसको लॉन्च करने वाले हैं। वेरी गुड, ये सवाल का इनाम तो मुझे मिलना चाहिए कि आपने नहीं बताया। और मैं आपको ये भी बताती चलूं, हमारे पास गिफ्ट्स भी हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे फूडीज क्रिएटर्स को तो आपको ये बास्केट इन फ्लेवर्स की मिलेंगी, और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खाना पकाने का मजा आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूं, ये पक रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब हम ये मसाला भून लेते हैं ना, फिर हम आलू डालते हैं कच्चे। ये तो नहीं है आपकी, ये तो नहीं है आपकी, ये नहीं हमारा। ओके, ये मैं हटाती हूँ दही। मैंने क्या किया, ये शॉर्टकट्स होते हैं, जब हम शॉर्टकट यहाँ करें, मैंने क्या किया, आलू लेके नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल कर लिया। अब आप, मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं हल्का सा आखिर में इसमें मसाले में डालूंगी ताकि टेस्ट आ जाए। हाँ, और ये आप पहले से उबाल के आप रख लें, कभी आपका दिल नहीं चाह रहा, बिरयानी नहीं बना रहे, आप इसको मैश करके आप इसके कटलेट्स बना लें, आप इसका, हाँ एक और चीज करते हैं, बिरयानी बन रही है तो हम रायता बनाएंगे, ठीक है? तो मैं आलू का रायता पालक के साथ बनाती हूँ बस। और आलू उबलते हुए टूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब सर्व करेंगे आप इसको ऊपर से यूं करके रख देंगे, क्यों हर चीज के एक होता है कि डिजास्टर्स हो जाते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होना चाहिए क्योंकि फूड है। बिल्कुल, आपका ये हुआ, ये मैं सिर्फ कुकिंग हम नहीं कर रहे होते, हम आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताएंगे इसी के वक्त। अब इसको हमने पकने देना है, क्योंकि ये एक हमारा एक तरीका है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं ईस्टर्न, तो जब तक तेल साइड में नहीं आता इसका मतलब अभी तो नहीं पका, नहीं हुई है, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको आलूओं का बताती, चावल भी मुझे बताएं, मैं उनको चावल के बारे में भी थोड़ा बता दूं। अच्छा, टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि हम आपको बॉइल करके दिखाएं। मैंने क्या किया, नहीं इसको मैं जरा सा इधर हटाऊंगी। मैंने क्या किया, ये बॉइल करते हुए, जब आप चावल बॉईल करेंगे आप गरम मसाला तो डालते ही हैं, तो इसके साथ मैंने एक चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट का डाल दिया था। ये आपको हल्का हल्का ग्रीन नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं कि थोड़ी बिरयानी में व्हाइट चावल अच्छे लगते हैं, मगर इसमें टेस्ट एब्जॉर्ब हो गया आपके ग्रीन चिली और पेस्ट, क्योंकि प्योर है तो उसकी अपनी एक जो अरोमा है वो बहुत मजे की, बहुत मजे की है, तो लोगों को चटपटे पसंद आती है। अच्छा, यहाँ से भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, खुशबू वो आपके घी की जो है ना, घी की भी आ रही है, और मुझे उसके वो जो टोमेटो कड़ी पेस्ट है ना हमारा, उसका भी उसके आ रहा है, जो मसाले भुन रहे हैं ऐसा फीलिंग आ रही बिल्कुल है, बिल्कुल आ रही है खुशबू। मुझे तो सबसे पहले घी की बहुत अच्छी खुशबू आई। इसको हम जरा सा पकने देते हैं और मैं आ जाती हूँ आलू की तरफ। अब मैं तेल नहीं ले रही, आप मुझे ड्रीम वर्ल्ड का घी दें। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, हमने सबसे पहले आपके लिए ये लिया, दो चम्मच में डाल रही हूँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मुझे इसमें देते हैं जीरा, दें थोड़ा सा, हाँ। अच्छा, ये जो आलू आप बना रहे हैं ना, ये आप किसी चीज के लिए बना सकते हैं, ये आप, मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और आप मुझे इसमें दे दें ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट, अब घर में आपने इसी तरह से बिरयानी बनानी है। कितना हैसल फ्री हो जाता है अगर आपके पास कोई कटिंग या कोई और काम, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, नहीं करना, बस चीजें खोलें और जल्दी जल्दी यूज़ करें। ग्रीन चिली पेस्ट का कलर देखें, इतना ये ग्रीन चिली, दिखाएं मुझे आप, यहाँ मैं जरा दिखाना चाह रही हूँ लोगों को, आप देखें ये फ्रेश है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कलर आप देखें दोनों का, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने एक चम्मच ये डाल दिया, मुझे इसका कवर दे,
अपने कपड़ों को भी आपने बचाना है, क्योंकि आपने कोई ड्रीमवर्ल्ड वालों ने कोई क्यू एंड एन का कोई स्टेन रिमूविंग कोई सॉल्यूशन तो नहीं बनाया? हमने हमने काम ऐसा ही नहीं किया कि स्टेन आए, बस जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लें और आप अपने किचन को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। क्यूनन फ्लेवर्स की एक बिग रेंज है, चटनियों की, सॉसेस की, अचार भी है हमारे पास। वी हैव अ बिग फूड रेंज जो आपका किचन अपडेट कर सकता है। वेरी गुड। ये मैंने आलू डाल दिया, आपने कलर देखा, मैंने आपको कलर दिखा दिया। अब आप जब बिरयानी पे ये रखेंगे, जब आप कोई चीज पकाते हैं ना मसाले के अंदर, तो सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। तो मैं अपने घर में भी हमेशा आलू अलग उबालती हूँ, आलू गोश्त भी बनाती हूँ, आलू अलग उबालती हूँ। वो खिला खिला लग रहा है, खिला खिला रखता है। और वो जब आलू गोश्त बनाए, उमूमन आप देखें जो एक देसी आलू गोश्त होता है ना, उसका आलू का रंग काला होता है जी, वो इतना टेम्पटिंग नहीं लगता, मसाला जो है उस पर चढ़ जाता है, सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा मसला होता है कि जब लोग बना रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी दफा बेचारी नई बच्चियां भी होती हैं, तो उनको आइडिया भी नहीं हो पाता कि आलू और चिकन को किस पोजीशन पे हम डालें कि वो आलू वरना बहुत पिघल जाता है। बिल्कुल। तो मैंने इसको 3/4 उबाल लिया है, और जितने ये पानी ड्राई होता है हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इतना आपने इसमें मसाला छोड़ना है। सही है। आप यहाँ सीनियर मैनेजर हैं, सब हैं, बिरयानी बनानी आती है? बिल्कुल आती है। और आपका जब से बहुत अच्छी आती है, Q&N फ्लेवर्स आए ना, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर रहे होते ओके। हैं, क्योंकि अब वो इतना टाइम नहीं होता कि ऑफिस के बाद फिर बहुत लंबे चौड़े काम करें, तो मेरी खुद की भी जिंदगी बहुत आसान हो गई है इन चीजों से। ये बात। और मेरा किचन भी अपडेट हो गया है Q&N फ्लेवर से। वेरी गुड। ये पता है, ये वो चीजें होती हैं जब आपके सामने हर चीज, जब मेरे सामने भी बहुत चीजें मौजूद होती है ना, तो आदमी का दिमाग काम कर रहा होता है और आप बहुत कुछ बना लेते हैं उसके अंदर। बहुत हमारे पास। तो ये आपने देखा, ये मसाला है इसके अंदर। अब मैं थोड़ा चूल्हा बंद कर देती हूँ, आपको आलू की शक्ल दिखाऊंगा। आप ये देखें, बहुत हल्कम हल्दी डाली मैंने, और इसमें मैंने इसको जब उबाल लिया नमक के साथ, फिर मैंने इसको 1 चम्मच Q&N फ्लेवर्स के ग्रीन मसाला जो चिली पेस्ट है उससे मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हमारा ये मसाला ये तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी राइस। अच्छा, एक चीज आपके ड्रीम वर्ल्ड को, बहुत सारे लोगों को भी प्याज फ्राई करनी नहीं आती। प्याज फ्राई करना भी एक आर्ट है। बिल्कुल। और वो भी क्रिस्पी प्याज, बिरयानी के लिए क्रिस्पी। ये मैंने फ्राई नहीं करी थी, इसका रंग इतना अच्छा नहीं आया है। प्याज सुनी उगती आपके ड्रीम वर्ल्ड में। अच्छा, ये प्याज फ्राई हुई भी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी राइस। कोई आपको तय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है इसलिए कि चूल्हा जलता रहेगा तो जो मसाला है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग समझेंगे कि वो चूल्हा तो बंद पड़ा है, ये क्या करें, इतना ये मसाला ना हो। हाँ बिल्कुल, ये ड्राई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये राइस आपने लिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, जब भी आप चावल उबाले, अगर सेला उबाल रहे हैं जर्दे के लिए तो वो तो वेल डन होते हैं, इसमें आपने इसको 80% छोड़ देना है। और आपने चावल जब आप उबाल रहे हो उसमें आधा नींबू का रस डाल दें, और वो नींबू उसी पानी में डाल दें, तो उससे आपके चावल खिले खिले बनते हैं। आपका ड्रीमवर कर रहा होता है, भी डाल रहे होते हैं। हाँ, जो भी तो, अगर आपका सस्ते नींबू मिल रहे हैं तो आप। अच्छा, मैंने थोड़े से चावल डाले और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी फ्राई प्याज, मसाला अच्छा सा बन जाए इसका। यस, ये डाल दिया, थोड़ी सी मैं ऊपर के लिए बचा लेती हूँ प्याज। अब ये बाकी राइस जो है ये हम इसके ऊपर। अच्छा, पर हमारा जो है वो विनेगर भी है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चावल बॉईल करते वक्त, क्योंकि लेमन की प्राइस आपको पता है कितनी भी ऊपर चली गई थी,
ओहो ये तो मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल आप विनेगर का एक चम्मच डाल दें तो चावल आपके खड़े खड़े बनेंगे। क्यू एन फ्लेवर्स का आपके पास चिली सॉस, व्हाइट विनेगर एंड सोया सॉस भी है, और ये सब गिफ्ट पैक में भी मौजूद हैं ये चीजें। बिल्कुल मौजूद है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्यू एन फ्लेवर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सी बास्केट मिलेगी जिससे आप अपना किचन अपडेट कर सकते हैं। ओह वेरी गुड, बहुत आसानी से जी, सिंपल आपको सब्सक्राइब करना है, बस आप सब्सक्राइब करें और फूडीज क्रिएटर्स को, और आपके घर ये बास्केट पहुंच जाएगी और खुद आप ट्राई करेंगे ये फ्लेवर्स क्विन एंड के ड्रीम वर्ल्ड के जो खास मसाले हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या टेस्ट है। अच्छा ये मैंने क्या किया है, अभी रूही मुझे कह रही थी कि आप जो है वो ड्रीम वर्ल्ड का दूध भी है आप उसमें करें, मैंने कहा नहीं मैं दही में करती हूँ, तो दही भी ड्रीम वर्ल्ड का ही हुआ, दूध से ही दही बनता है। दही बनी है और यही बनी है, और हमारे यहाँ काऊ मिल्क जो है वो बहुत पॉपुलर है, और बिरयानी का वो था क्या चीज़? एसेंस बिरयानी, अगर आप बिरयानी का एसेंस ना भी डालें तो भी इसके अपने फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं, और ये मैंने रंग को दही में थोड़ा सा मिक्स करके मैं सिर्फ एक तरफ डालूँ, पूरे में नहीं डालना। अच्छा उसकी क्या वजह आपा एक तरफ की? क्योंकि वो एक तरफ का ये जब आप मिक्स करेंगे निकालेंगे तो वो फिर आधे व्हाइट और आधे पूरे में डालेंगे तो फिर वो मसाला भी और ये मजे का दोनों के कलर जो है वो मर्ज हो जाएंगे, तो ये एक सेपरेट निकल जाएगा। बिल्कुल ये आपने लिया और इसमें आपने ये मैंने थोड़ा सा घी गरम किया था ड्रीम वर्ल्ड वाला, मगर अब मैं उसको दोबारा गरम कर लूंगी। ये मैंने ऑयल लिया, कोई चीज वेस्ट नहीं करें, जब आप ये चीजें खरीदेंगे आपको गिफ्ट मिली तो सही है, खरीदेंगे तो फिर आपको जरा एहसास कि ये मैंने ऑयल थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। और एक चीज और मैं बताती जाऊँ कि जैसे भी आप बात कर रही हैं कि चीजें खरीदेंगे तो ये बहुत इकोनॉमिकल पैक्स है हमारे सारे, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो हम आपका किचन जो अपडेट करना चाहते हैं वो एक इकोनॉमिकल बजट के अंदर करना चाहते हैं, और क्यू एन फ्लेवर की कोई भी चीज लें, चाहे आप चटनियाँ लें, पेस्ट लें, अचार लें, केचप लें, सॉसेस लें, व्हाटएवर इट इज, आपका किचन बहुत इकोनॉमिकल तरीके से अपडेट हो सकता है क्यू एन फ्लेवर से, गारंटी जी बिल्कुल गारंटी। अच्छा मैं दो हरी मिर्चें सिर्फ खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, बाकी दो फ्लेवर आपका सब इन्हीं मसालों से आया है, और आलू हम डेकोरेशन में डालेंगे, एक में डाल देती हूँ क्योंकि अगर आपने पहले से उबाल के रखे ना तो ये आलू ठंडे हो गए होंगे, तो आपने क्या करना है ये आलूओं को इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो है ये भी अच्छे टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा इसको आपने हिलाना जुलाना नहीं है, और दो में ऊपर की डेकोरेशन के लिए, और एक आलू जो है ना मैं रायते के लिए रखूंगी। अच्छा ये बड़ा थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है मुझे कि रायते में जो है वो आलू का रायता बनने वाला है, आलू और पालक, आलू और पालक का रायता, मतलब मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज है। अच्छा ये आपने रख दिया दम पर, हम लोग छोटे थे जो हमारे यहाँ बिरयानियाँ बनती थी जी अम्मी के यहाँ, तो कपड़ा हमेशा रखा जाता था, हाँ वो पूरा बंद करने के लिए, इसलिए कि जो अगर ज्यादा पानी है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा जब मेरी शादी हुई और मैं अपनी ससुराल आई तो उनके यहाँ कपड़ा नहीं रखा जाता था। अच्छा उनके यहाँ क्या रखा जाता था आपसे पूछ रही हूँ? तवा रखकर भी तो करते हैं, तवा तो नीचे रखते हैं ना ऊपर, वो बट्टा जो होता है वो भी ओके, मेरी ससुराल में रोटियाँ जो होती है ना वो ऊपर रोटी रख देते थे। अच्छा मतलब बिरयानी ये खोल के बिरयानी के ऊपर आपने रोटी रखी अच्छा। तो वो रोटी भी सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर आप उसको तवे पे रख के खा लें, फिर आप रोटी, ये बड़ा तो अच्छा ये है कि वो एक टेस्ट जो है वो उस रोटी के ऊपर भी आ जाता आ जाता है। मुझे दें आप आज हम घी में ही करते हैं, जब हर चीज कर रहे हैं हमारी कोशिश होती है कि जो है चीजें वो बनाई जाएं जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हों और इकोनॉमिकल भी हों, मेन चीज वही, और जब आपके पास ये सब चीजें मौजूद हैं तो आप इसी को इस्तेमाल करें। मुझे ग्रीन चिली पेस्ट दे दें आप, एक ये मैं रायता बना रही हूँ और इस रायते में मैंने दही लिया, इस पे मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया। अच्छा इसमें आप मुझे एक और चीज आप मुझे क्या देंगे, आपके पास एक चटनी है मिंट कोरिएंडर भी है और डेट टर्मरिक भी है, इमली की चटनी जी बिल्कुल है, बिल्कुल आपको दे दें
ये है हमारी अच्छा ये पालक के पत्ते हैं। कुछ पालक के पत्ते मैं आपको पहले साबुत दिखाती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, ये सबकी मोस्ट फेवरेट। ये पालक के पत्तों को धो के और आपने फ्राई कर लेना है। प्लीज जब आप किचन में जाएं तो प्लीज जरा ख्याल रखें। ये पता है क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि ये थोड़ा गीला था। राइट, हाँ वो जब घी में गया होगा, देसी घी में, तो फिर हाँ, तो हमेशा उसको अच्छी तरह से आप ड्राई कर लें। मुझे थोड़ा सा ड्रीम वर्ल्ड का पानी भी चाहिए। जरूर, हमने पानी भी अपना रखा हुआ है। हाँ, वो ये खोल के ये पानी भी यहीं का है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा मैं दम के लिए अच्छा आपको पानी डालने से क्या होता है? दम पे क्योंकि चावल पूरे पके हुए नहीं थे। ओके, तो थोड़ा सा आपको दम के लिए ये मैं क्रिस्पी करके इसमें निकाल देती हूँ। हेल्दी खाना जब आप हर चीज यानी कि ड्रीम वर्ल्ड की है तो इसका मतलब घर की हुई ना। बिल्कुल, ये घर की है और ये सबके घरों की है। हाँ, ये सबके घरों की है। तो फिर ये मैंने बंद किया। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी, जब भी आप हरी चीजें लेना, इसका ढकना मुझे दें, इसमें मुझे पानी लग रहा है जी, क्योंकि कपड़े आप डाली, मैं इसको फौरन कैद कर दूंगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसीलिए। अच्छा, इसके साथ आप क्या करेंगे? इसके साथ आप क्या करेंगे? ये बिरयानी पे सजाने को मैंने अंडे उबाले थे, इसको भी मैंने सुन डाला। ओके, आपा ये अंडे भी जो है वो देसी अंडे हैं जो कि ड्रीम वर्ल्ड के हैं। उसका साइज बता रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल लुक उसमें नहीं आ रहा जी। वेरी गुड, देखो ना कितनी सारी चीजें। ये मैंने इसमें डाला है ग्रीन चिली पेस्ट जी। अच्छा, ये पीला इसलिए हुआ है कि ये जो जर्दे का कलर था ना, ये वो स्पून इसमें आ गया। अच्छा, मुझे मैं इसमें कोई कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ ये है डेट एंड टैमरिन की चटनी। मगर मैंने आपसे ये नहीं मांगी थी, आपको क्या? मैंने आपसे मांगी थी कैरी की मीठी चटनी भी एक आपके पास है। वो आम आम की, आम की। जी, जी 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 बिल्कुल आम की चटनी है। ये खुल गया। अच्छा, इसमें आप देखें आप ये मौजूद है। हाँ देखे ना कितनी जबरदस्त लग रही है। ये जो रायता है ये है इनकी मैंगो चटनी। अचार चटनियों के लिए खास क्या कहा गया है कि आप स्पून जो है ना, ये देखें इसमें कैरी भी आ जाएगी। ये आपने नए तरीके का रायता, मुझे एक छोटा प्याला चाहिए होगा। ये बंद कर देते हैं। ये मैंने डाल दी कैरी की चटनी। हाँ ये देखें आपकी ये हो गया। और आलू कहाँ गए? आलू ये रहे हमारे। मैं जो हमने चटनियों में वो रायते में चीजें तो नजर आती है, लेकिन आलू भी है और पालक भी है। पालक भी है। ये आलू मैंने लिए और ये मैंने इसके पीसेस काट लिए। ओके, ये आलू इसमें चले गए। देखिए, जब तक आप चीजों में जिद्दत नहीं पैदा करेंगी, मसाले आपने दे दिए तो कुछ मेहनत तो घर की जो माँ है उसने तो कुछ करना होता है ना। ये आप ले लें। ओके, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। ये देखिए, ये जरा सा यहाँ से थैंक यू। और मैंने क्या किया था, टाइम सेव किया था, और इसमें से हम लेंगे पालक। अंडों को मैं तो सजाऊंगी उसके ऊपर। अच्छा, आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, कट करके ना, बॉल्स के पीसेस, वो छोटे छोटे। ये आपने इसमें पालक डाल दी, मतलब फुल हेल्दी सैलेड वो है हमारा। रायता भी, बिरयानी भी, सब चीजें और अंडे, हर चीज। अभी बंद कर दूं या अभी रहने दें? नहीं नहीं, अभी दम पे आने दें। इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है, मतलब इसकी खुशबू से जो ना वो भूख लगना शुरू हो गई है। अब पता है, एक और चीज बताऊं मैं आपको जी, कि आपने जो अंडे तले ना, जो पालक बची है, आपने इसके साथ, इसी के साथ
इसी के अंदर मैं भगार दूंगी और जब भगार दूंगी तो अंडे के ऊपर भी ग्रीन चिली पेस्ट जो है QNN का वो इस पर डालूंगी ताकि वो वही उसकी जो ये पालक है, ये पालक मैं ज्यादा मिक्स नहीं कर रही कि मैं बहुत ज्यादा आलूओं को उसके अंदर मैश नहीं कर रही क्योंकि बिरयानी के साथ आलू बहुत अच्छा अपनी अपनी राय होती है कुछ लोग बिरयानी जो है वो बिना आलू के खाना पसंद करते हैं बट मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है आलू के बगैर बहुत इनकम्प्लीट फील होती है बिरयानी हाँ बिल्कुल सही है और गले हुए आलू हो तो फिर तो उसका बात ही कुछ और है अच्छा इवन आप जो है वो चिकन हो ना हो बचे ना बचे हमारे हिस्से में बिल्कुल आलू को बचना बहुत जरूरी है बहुत ये हमने इसमें डाल दिया ये और इसके अंदर ये जो हमने पालक तली थी ये देखें कितनी कड़क है ये देख रहे हैं आप कड़क कितनी आवाज आ रही है आपको ये आपने इसके अंदर देखिए कलर्स जब तक नहीं होंगे ना बिल्कुल ये आपने डाल दिया मुझे टिश्यू आप देंगे जरूर अच्छा सिर्फ कलर देने के लिए कलर देने के लिए मैंने इसमें टमाटर ऐड किया अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जब भी ये मौसम ऐसा है गरम कि हरा धनिया पुदीना आप घर में लाते हैं तो वो मर जाता है आप ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में और बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाता है आपने ग्लास लिया यहाँ तक पानी नहीं भरना बिल्कुल थोड़ा भरना है ये इतना सॉफ्ट था फिर आपने इसको ग्लास में डाल दिया और इसको आप फ्रिज में रख दें ये आपका इसी तरह फ्रेश रहे सही अच्छा आपका ग्लास कोई भी हो ना मतलब प्लास्टिक का हो कुछ भी हो बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दे कोई क्रैक हो जाते हैं ग्लास ये आपका हो गया रायता हरा भरा रायता हरा भरा रायता अब बिरयानी को मैं देख लेती हूँ ये सब हटा लेते हैं हम और फिर हम क्या करेंगे एक प्लेट है आपके पास मैं इसमें अंडे निकाल रही हूँ और उसका भगार जो है ना ये देखिए ये मैंने अंडे निकाल दिए अब ये आप कहेंगे इसमें निकाले मगर ये दही के साथ लग के और दही भी जाया होने से बच गई और अंडों का टेस्ट और आप इसमें मुझे वो दे दें ग्रीन चिली पेस्ट दे दें थोड़ा ग्रीन चिली पेस्ट में आपको मैं ग्रीन चिली पेस्ट दूं या मैं मिंट कोरिएंडर दूं हाँ मिंट कोरिएंडर दे दें मिंट कोरिएंडर जो है वो अगर किसी के पास बहुत रायता बनाने का टाइम नहीं हो रहा है तो वो सिंपल दही में मिंट कोरिएंडर भी डाल के जो है स्पून दे दें एक और चीज बताऊं प्लीज बिरयानी जब आप बनाएं या पुलाव बनाएं प्लीज एक ही दफा खोलें अगर आपने खोला देखा जो उसकी खुशबू बसी हुई होती है इन सब फ्लेवर्स की वो सब निकल जाएगी बिल्कुल तो इसको हम अभी दम पे रखेंगे हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आके फिर हम इसको डिश आउट करेंगे ये मैं डाली हूँ ये है मिंट कोरिएंडर चटनी मिंट पुदीना और हरे धनिया का ये आपका पेस्ट है ये मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे के साथ ये देखिए ये दही का प्याला था मैंने उसी में वो अंडे निकाल दिए और अंडे निकालने के बाद अब जो इसका टेस्ट आएगा ना दही का इसके अंदर तो मैं क्या करूँ इसको अभी नहीं खोलती मैं आपको खुशबू तो आ रही है मुझे खुशबू तो बहुत ही इतनी जबरदस्त है जब मैं निकालूंगी ये मैंने थोड़ा सा घी जो है जो ड्रीमर वालों का ये भी QNN का ही बिल्कुल यही वो उसका वो होगा तो इसको मैं ऊपर इसका भगार दूंगी ऊपर से इसको अंडे इसके अंदर रखूंगी और जो हमारे आलू थे इनको हम काट के हम ब्रेक के बाद इसको कर लेते हैं हाँ ब्रेक के बाद ठीक है लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक ये आप देखें ये क्या गिर रहा है ये रायता मैंने निकाल लिया है हमेशा जब भी आप टेबल पे रखें प्लीज ऐसे प्याला उठा के कभी ना रखें
क्योंकि जब आप प्याला उठा के रखते हैं वो अच्छा नहीं लगता, कभी गिर जाता है। हमेशा उसके नीचे प्लेट होनी चाहिए। जब हम अपने किचन को चेंज ओवर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इन चीजों को जरूर करें प्लीज। जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। खाने के बारे में तो कहा ही जाता है कि सबसे पहले दिखने को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, मैंने बिरयानी बिल्कुल नहीं खोली थी ब्रेक में, अब मैं खोलने जा रही हूँ। जो जब इसकी पहली भाप निकलती है बिरयानी की, वो ही असल बिरयानी होती है, उसी का खाने में मजा आता है। बार बार बिस्मिल्लाह रहमान। ये वाह, खुशबू आ रही है, बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। मसालों की भी बहुत अच्छी आ रही है जो आपका बना हुआ है, और देसी घी की बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस फील हो रही है। आप ये कहें कि असल देसी घी की है, और होता भी यही है। ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये जो मेरे पास मैंने अंडे फ्राई किए थे, पालक, कोई चीज जाया नहीं करनी क्योंकि ये असली घी है। प्लीज कोई चीज जाया नहीं करनी है, ये इसके ऊपर आप डाल दें। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देखें चावल कलर्स बड़े खिले खिले हैं। ये खाना निकालना भी एक आर्ट होता है। हम खाना तो निकाल लेते हैं, प्लीज खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खाना निकालना है। एक टिश्यू मुझे दे दें, जो साइड में हो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना, एक दिन मैं वो भी सिखाऊंगी आपके इस ग्रीन मसाले के साथ ईरानी चावल, ओके, उनकी जो बिरयानी होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, उसमें क्या फर्क होता है? उसमें वो नीचे लेयर्स लगाते हैं उसके क्या कहते हैं, आलू दो आपको। हाँ बिल्कुल, मैं आलू ले रही हूँ। अच्छा, ये आप लेंगे, आप आलू का कलर देखें ताकि लोग देखकर खुश हो जाएं कि आलू की बिरयानी है। हाँ, आलू है वो ना। एक सवाल ये होता है, जब बिरयानी आती है पता नहीं इसमें आलू होगा कि नहीं होगा, कि नहीं, और हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें। ये हो गया, ये मैंने अंडे बॉईल किए थे, ये मैं इस पे अंडे लगा रही हूँ। बड़ी टेम्पटिंग सी बिरयानी बनाएं कि लोगों को खाने मैं में, मैं आपको बता नहीं सकती, इस पर इतनी जबरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है ना कि इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिरयानी है ही ऐसी चीज। मुझे टिश्यू टिश्यू टिश्यू। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कलर होना चाहिए। ये आपका हो गया, ये आप देखें, ये है आपकी बिरयानी जिसका आपको इंतजार था। और जब भी आप बिरयानी खोलें प्लीज, पता है जब भी आप बिरयानी बनाएं ना, पहले अपने जो आपके घर में हेल्पर्स होते हैं उनको दे दें, आपके कमी नहीं होगी, बरकत होगी। और जब ऐसी चीजें, ये आलू एक और बचा हुआ है, ताकि जो घर में जब आप बना रहे होते हैं ना, तो जैसे आपके बच्चे देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। अब आप ये देखिए इसकी शक्ल, इसके ऊपर मैंने एक और चीज लगाई, जबरदस्त इसका जो है ना लुक, बहुत जबरदस्त आया। देखिए जो हरा धनिया इतना फ्रेश है, आपने पानी में लगा के रखा है। हरा धनिया, ये तो उसका नहीं है, ड्रीम वर्क का नहीं, नहीं। उगाया आपने, आप लोगों ने क्यों नहीं उगाया? इतनी जगह है हमारे पास, बहुत जगह है अब ये इन सारे कामों के बाद। मगर ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ काम किया है जी, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे वो पानी नहीं आ रहा था, नमकीन होता है इस वजह से, क्योंकि कुछ चीजें एक आध हमने सैंपल के तौर पर उगाई है यहाँ पर। अच्छा, क्या? कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, पालक वगैरह। अच्छा, एक आग चीज हमने डाली है, अब देखें इसका इंशाल्लाह क्या रिजल्ट निकलता है। वेरी गुड।
सब्जियां भी फिर आपको यहाँ सब्जियां भी मिलेंगी, आपको हर चीज मिल रही है, अंडे हैं, दूध है, ड्रीम वर्ल्ड है, आपने जो सोचना है उन वाकई। हाँ ये बात भी सही है, नाम के ऊपर देखिए, नाम उन्होंने ऐसा रखा है ड्रीम वर्ल्ड, ताकि आप जिस चीज का ख्वाब देखें, ड्रीम करें तो वो मौजूद हो। तो ये सारी यहाँ की फ्रेश चीजें, ये बिरयानी आपने देख ली, और ये बिरयानी ऐसी थी कि इसको हमको बड़े थाल में निकालना चाहिए था। तो ये हमारा रायता था आलू और पालक का, इसी तरह आप प्रेजेंट करें, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो फिर सब इंजॉय भी करेंगे। थैंक यू रूही, आपकी इन चीजों का लोगों को हम ये बता सकते हैं कि हम उनके लिए क्या आसानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस आसानियों को किस तरीके से असेंबल करके और नए रंग देने हैं वो तो आपका बेहतरीन काम है। शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज।